तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में दिख रहा साधारण सा ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बीजेपी विधायक राम दुलार गौंड है। जी हाँ, बीजेपी विधायक। अब इनकी कारिस्तानी सुनिए। भाजपा के इस विधायक को नाबालिग से रेप के केस में पॉक्सो के तहत दोषी ठहराया गया। ये मामला 4 नवंबर 2014 का है, जब पत्नी के प्रधान रहते हुए भाजपा के इस दरिंदे ने नाबालिग की आबरू लूटी थी। यही नहीं, जब मामला खुला और बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज हुआ, तब उस दौरान रेप पीड़िता के ऊपर समझौता के लिए दबाव और रुपयों का लालच दिया गया। जब इतने से भी बात नहीं बनी, तब पीड़िता की शादी के बाद उसके ससुराल जाकर भी लगातार उसे धमकियां दी गई। ये पहला मामला नहीं है जब भाजपाइयों का चरित्र और चेहरा खुलकर सामने आया है। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ब्रिजभूषण सिंह जैसे अनगिनत नाम है जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की लंबी लिस्ट है।